भाभी टू को भला कौन नहीं जानता, अब तो हर कोई जानने लगा है। एनिमल मूवी के बाद तृप्ति डिमरी लाइमलाइट में छाई हुई है। लोगों के बीच तृप्ति डिमरी को लेकर ऐसा क्रेज चढ़ा है कि जो मूवी उनका कल तक हिट नहीं हो रही थी वो आज सुपर हिट हो रही है। और ये हम बात कर रहे हैं लैला मजनू मूवी की, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म में तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी लीड रोल में थे, लेकिन उस वक्त फिल्म को दर्शकों का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था और उस वक्त फिल्म फ्लॉप भी हो गई थी। लेकिन अब इस फिल्म को 6 साल बाद फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया है और इस फिल्म ने रिलीज होते ही बड़े पर्दे पर अपना जादू दिखाया। कल तक इस फिल्म को कोई भी नहीं देख रहा था और आज इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की उत्सुकता दिख रही है। इसके री रिलीज होने से पहले ही काफी बस बना हुआ था और अब ये कमाई में भी नजर आ रहा है। जहाँ इस फिल्म ने कमाई के मामले में अपनी ओरिजिनल रिलीज को पीछे छोड़ दिया है, 9 अगस्त को ये फिल्म दोबारा रिलीज हुई है और इस फिल्म ने इतनी कमाई कर ली है जितनी इसने अपने ओरिजिनल रिलीज पर भी नहीं की थी। अब इसके 4th दिन की कमाई का आंकड़ा भी सामने आ गया है। इसने 4th दिन यानी सोमवार को 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया है, जो ओपनिंग डे से ज्यादा है। लैला मजनू ने अपने ओपनिंग डे पर 30 लाख की कमाई की थी। अब 4th दिन फिल्म ने अपने पहले दिन से ज्यादा का कारोबार किया है। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है। इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि फिल्म 5वें दिनों में 3.20 करोड़ की कमाई कर सकती है। रिपोर्ट इन 24 न्यूज़ मुंबई।